आज बना रहे हैं मुर्ग मुसल्लम। तो ये थ्री स्टेप में बनता है। फर्स्ट हमने इसको मैरिनेट करना होता है, सेकंड हमने इसके अंदर चिकन का ले लो या मटन का कीमा ले लो, आपने उसको बना लेना है, मतलब उसको पकाना है, एंड देन फिर इसके अंदर फील करना है, उसको फ्राई कर लेना है। फिर इसके बाद में हमने इसकी ग्रेवी बनानी है। ऐसे ही तीन स्टेप में ये रेसिपी ट्राई मतलब रेडी होती है। तो फर्स्ट जो है मैं आपको मैरिनेट जब मैं चिकन को करने वाली हूँ उसके मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता रही हूँ, तो मैं स्टेप टू स्टेप आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हुए चलूंगी। तो सबसे पहले हमें जो चिकन है, ये मैंने 1.5 किलो का चिकन लिया हुआ है, और ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से बीच बीच में से कट्स, ये देखिए बूचर से ही बोल के, या तो आप भी सिंपल है इसको छुरी से कट कर सकते हो। देखिए डीपली इसको हमने कट कर लेना है। 1 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट जाएगा, 1.5 किलो का ये चिकन है तो इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट जाएगा। और इसके अंदर मैं लेने वाली हूँ 3 टेबल स्पून दही, योगर्ट लेने वाली हूँ, 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, और यहाँ पर मैंने देखिए थोड़ा सा इसको मैंने फ्रीज करके रखा हुआ था, ये ग्रीन चिली पेस्ट है तो ये है 1/2 टीस्पून। एक नींबू का रस जाएगा, अगर आपके पास में नींबू नहीं है देन यू कैन यूज विनेगर ऑल्सो, विनेगर आप 1 टीस्पून इसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने लिया है भुना कुटा जीरा 1 टीस्पून, धनिया लिया है मैंने 1 टीस्पून, और सॉल्ट एज पर योर टेस्ट जाएगा, और मैंने यहाँ पर हरी इलायची ग्रीन कार्डेमम मैंने 1/2 टीस्पून उसका पाउडर लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो जितने भी मसाले हैं ये मैं एक बाउल में डाल दूंगी, इसको मैं इसमें डाल दूंगी सबको, ये देखिए मैंने सारे डाल दिए। मैंने सारे ड्राई मसाले डाल दिए, अब इसके अंदर जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट हम डाल देंगे, और इसके अंदर मैं 3 टेबल स्पून यहां पर योगर्ट मतलब दही लेने वाली हूँ। ये देखिए 3 टेबल स्पून मैंने दही ले लिया है, और इसके साथ में मैं इसके अंदर 1 लेमन का जूस ऐड करने वाली हूँ। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी मसाले को, मसाला है इसको मैं अच्छे से चिकन के अंदर ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए जितने भी मैंने कट इसके अंदर लगाए हैं वो सारे कट के अंदर मैं अच्छे से मसाला जो है लगा लूंगी, और इसको मैं 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए साइड में रख दूंगी। मैं हाथ से कर रही हूँ, आप चाहो तो स्पून से कर लेना, बट अगर आप हाथ से करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सारे कट्स वगैरह में स्पून नहीं जाएगी, तो आप अपनी ये फिंगर की हेल्प से अच्छे से इसके अंदर डाल सकते हो मसाला, बाकी का मसाला ये देखिए अंदर से भी मैं इसको लगा रही हूँ। बहुत ही अच्छे से आपने मसाला लगा लेना है फुल चिकन को। चिकन को मैंने अच्छे से मसाला लगा दिया है, अभी इसको मैं 1 घंटे फ्रीज में रख दूंगी है, उसके अंदर की फिलिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले ये देखिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है, और 1 मीडियम साइज का मैंने प्याज लिया जिसको मैंने फाइनली चॉप कर दिया था, इसको हम अंदर डाल देंगे, और इसका कलर चेंज होने तक हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। ये देखिए प्याज का कलर जो है अच्छे से चेंज हो गया है, तो अभी हम इसके अंदर 1 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे से हम इसकी रॉ स्मेल जाने तक अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट की जो रॉ स्मेल थी वो चली गई। तो यहाँ पर देखिए मैंने कीमा लिया है, आप चिकन का भी ले सकते हो, मैंने मटन का लिया है, 250 ग्राम मैंने लिया है, आप चाहो तो उससे भी कम भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पर 250 ग्राम लिया, आप चाहो तो 150 ग्राम भी ले सकते हैं। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसको हमें तब तक कुक करना है जब तक ये जो हमने कीमा लिया है उसका कलर नहीं चेंज हो जाए, तब तक हमें इसको अच्छे से कुक कर लेना है। देखिए जो हमने कीमा ऐड किया था उसका कलर अच्छे से चेंज हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें सारे ड्राई मसाले ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, भुना कुटा जीरा 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, और मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून, 2 मैंने मिर्ची ली थी मीडियम साइज़ की जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट जाएगा, ये भी हम इसमें डाल देंगे, और इसको अच्छे से हम भून लेंगे अभी फिलहाल। तो यहाँ पर मैंने 30 सेकंड्स मसालों को भून लिया, अब मैंने यहाँ पर टमाटो प्यूरी लिया है, तो मैं 3 टेबल स्पून इसके अंदर टमाटो प्यूरी ऐड करूँगी। अगर आप टमाटो प्यूरी आपके पास में नहीं है तो आप सिंपली 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लीजिए, उसको ग्राइंडर में पीस लीजिए, और उसका पेस्ट टमाटे का टमाटर का पेस्ट भी आप ले सकते हो, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे अभी, और इसके अंदर ये देखिए 1/2 लेमन का जूस इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/2 लेमन का जूस इसमें ऐड करेंगे, और इसको हम अब स्लो फ्लेम पर ढक कर जब तक ये कीमा पक नहीं जाता तब तक हम इसको पका लेंगे, मतलब कि 15 से 20 मिनट हम इसको अच्छे से पका लेना है हमें इसको कीमे को।
तो अभी मैं इसको कवर कर देती हूँ और फिर आपको मैं ये पूरा कीमा कुक हो जाए उसके बाद दिखाती हूँ। देखिए ये 20 मिनट से अच्छे से कुक हो रहा है, तो अभी इसको मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ। अच्छे से इसका पानी वगैरह सब कुछ जो है ड्राई हो चुका है और इसके अंदर हरा धनिया ऐड करेंगे और इसके अंदर 5 काजू, 5 बादाम और 5 पिस्ता मैंने डाला हुआ था। बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम रूम टेम्परेचर पर आने के लिए अभी रख देंगे। देखिए चिकन जो है इसको मैंने 1 घंटे से मैरिनेट होने के लिए रख दिया था और ये जो कीमा जो है ये भी अच्छे से रूम टेम्परेचर पर आ गया है। इसके अंदर हम लेंगे 2 बॉयल अंडे। ये मैंने 2 अंडों को बॉईल कर लिया था। अब हमने क्या करना है, इस चिकन के अंदर हमने ये कीमा और अंडा अंदर अच्छे से भर लेना है और इसको हमने अच्छे से पैक कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इसके अंदर अच्छे से भर रही हूँ और ऐसे ही मैं पूरा भर लूँगी इसके अंदर। और फिर आपने इसको अच्छे से चाहो तो धागे से सील लो या तो फिर इसको अच्छे से बांध लो। तो बस मैं इसे कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छे से इसको आपने अंदर अंदर डालकर अच्छे से भरना है। ये देखिए इस तरीके से ये मैंने इसमें से निकाल लिया, इसे एक प्लेट में रख लिया था क्योंकि मुझे जम नहीं रहा था अंदर इसके फील करने के लिए बरोबर। तो मैंने इसको अभी अंदर अच्छे से फील कर लिया है। अब इसके अंदर मैंने कीमा अच्छे से और अंडे अच्छे से भर दिए हैं। अच्छा मैं इसको अभी अच्छे से सीलने वाली हूँ, तो लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अगर ऐसा करते हो या तो फिर आपने इसको इस तरीके से पकड़ के नॉट कर देना है, लेकिन अगर आप सीलोगे तो बहुत ही अच्छा आसान हो जाएगा कि चिकन के अंदर की जो फीलिंग है वो बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन आपने क्या करना है, आप ऐसे सुई लेना जिसको मतलब मैंने नीडल लिया हुआ मतलब सुई लिया हुआ है, तो उसको आपने गरम पानी में उबाल लेना है 10 से 15 मिनट, फिर उसके बाद में इसको यूज करना है। तो मैंने इसको मतलब कि बेसिकली इसको आपने स्टेरिलाइज कर लेना है, तो मैंने स्टेरिलाइज कर लिया है। अब मैं आपको सील लूंगी मैं इसको और फिर आपको दिखा दी हूं। ये देखिए इस तरीके से आपने सील लेना है, तो बस ऐसे ही मैं सील लेती हूं फिर आपको दिखाऊंगी। देखिए इसको मैंने अच्छे से देखिए यहां पर एक नॉट बांध ली है और इसको मैंने अच्छे से सील लिया है। अभी इसको हम पहले फ्राई करेंगे। 1/4 कप ऑयल लिया हुआ है। अभी इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ये चिकन डालेंगे और चिकन को हम अच्छे से अलट पलट करके अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। हम ये इसको ढक देंगे और इसको हम 20 मिनट के लिए अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कुक कर लेंगे, चिकन को अच्छे से पका लेंगे हम। देखिए ग्रेवी के लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, 2 मीडियम साइज का मैंने टमाटर लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने खसखस लिया है 2 टेबलस्पून, 10 काजू, 10 बादाम। इसको हम थोड़ा सा मतलब 1 टीस्पून ऑयल लेंगे और इसमें हम इसको थोड़ा सा शैलो फ्राई करेंगे और फिर इसका हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट इसके अंदर जाएगा। इसके अंदर देखिए केवड़ा वाटर मैंने लिया हुआ था, 1 टीस्पून केवड़ा वाटर, और उसके अंदर मैंने सेफ्रॉन स्टिक मतलब कि ज़ाफ़रान मैंने 1/2 टीस्पून लेके इसमें डाल दिया है। आप चाहो तो कम भी ले सकते हो। और यहाँ पर चारकोल का पीस लगेगा हमें भाप देने के लिए। मैं इसमें 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम इस्तेमाल करने वाली हूँ। और मैंने जब चिकन को मैरिनेट किया था तब मैंने ये 200 ग्राम का बॉक्स होता है मतलब डब्बा जो होता है 200 ग्राम का होता है, इसमें से मैंने 3 टेबलस्पून जो है चिकन को मैरिनेट करने के लिए लिया था। तो बाकी का जो है ये मैं ग्रेवी में डाल दूंगी। दही मैंने यहाँ पर लिया है फेनोग्रेट लीव्स, ड्राई फेनोग्रेट लीव मतलब कि मैंने लिया है कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून। और यहाँ पर देखिए मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। यहाँ पर मैंने लिया है भुना कुटा धनिया 1/2 टीस्पून और भुना कुटा जीरा मैंने लिया है 1 टीस्पून। यहाँ पर मैंने लिया है तंदूरी मसाला पाउडर 1 टीस्पून। वैसे ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपको बेटर टेस्ट के लिए चाहिए तो आप ले सकते हो। और अगर जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों के लिए मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोगों को भी रेसिपी आराम से मिल जाएगी। मैंने ये अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया है, गरम मसालों से ही बन जाता है आराम से। तो यहाँ पर मैंने लिया है रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून और यहाँ पर मैंने लिया है सौफ का पाउडर 1 टीस्पून और यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है हरी इलायची का पाउडर। यहाँ पर देखिए मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसके अंदर हम प्याज, टमाटे और खसखस और काजू और बादाम ये हम डालेंगे और इसको हम अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे और इसको हम फिर ठंडा करेंगे और इसको पीस कर लेकर आ जाएंगे। हम इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। पहले इसको अच्छे से भून लेंगे। टमाटे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, इससे ये होगा कि टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाएगा। तो बस थोड़ा टाइम इसको पकाना है, 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से पकाएंगे।
देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गया है तो इसको रूम टेम्परेचर पर आने देंगे और इसके बाद में इसका एक फाइनली पेस्ट बना लेंगे हम। 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, इसके अंदर सबसे पहले मैं ऐड करने वाली हूँ जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट और इसको हम अच्छे से कुक कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सारे ड्राई मसाले और इसके अंदर हम साथ ही साथ ऐड करेंगे सॉल्ट और इसको 30 सेकेंड्स तक अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही और दही को भी हम अच्छे से 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे। इससे 2 से 3 मिनट मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। अब ये जो मैंने मसाले को पीस लिया था, काजू, बादाम, प्याज, टमाटर और खसखस, ये हम इसमें डाल देंगे और गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे और इसको चलाते चलाते ही हम इतना भून लेंगे कि मसाला जो है वो ऑयल से सेपरेट हो जाए। इतना हमने इसको भून लेना है इस मसाले को। 20 मिनट मैंने इसको अच्छे से भून लिया और भूनने के बाद में ये देखिए साइड से आपको ऑयल दिख रहा होगा, ऑयल मसालों से सेपरेट हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड करेंगे और यहाँ पर केवड़ा एसेंस मैंने लिया था, केवड़ा वाटर और उसके अंदर मैंने ये ज़ाफ़रान लिया था, वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके अंदर मैंने क्रीम बोला था आपको, तो क्रीम लेंगे हम, फ्रेश क्रीम मैं इसमें डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून हमने डालना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। चिकन भी जो है हमने पकाने रखा था वो भी अच्छे से कुक हो चुका है, तो अभी इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन जो है देखिए इस तरीके से हमको ब्राउन मार्क्स आने चाहिए, तब तक हमने इसको अच्छे से कुक कर लेना है। ये इसके अंदर पानी हो जाता है, फिर इसको पानी को भी हमने अच्छे से सुखा लेना है। तो ये मैंने अलट पलट करते हुए जब मैंने इसको मसाले को भून रही थी उसी के साथ में मैंने चिकन भी अच्छे से कुक कर लिया। अब हम ये जो अखा चिकन है ये ग्रेवी में, बस अभी देखिए इसके अंदर ऑयल भी है ये देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको 10 मिनट हम अच्छे से कुक करेंगे। मसाले इसके ऊपर भी लगा देंगे हम अच्छे से और इसको 10 मिनट हम अच्छे से कुक करेंगे फास्ट फ्लेम पर। फिर इसके बाद में हम इसको चारकोल का भाप देंगे। देखिए अभी मैंने इसको अच्छे से कुक कर लिया, अभी हम इसको चारकोल का भाप देंगे, गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और यहाँ पर मैं रख देती हूँ साइड में। ये देखिए चारकोल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था, मतलब कोयले को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था, फॉइल पेपर मैंने रख दिया है। अब इसको हम कोयले का भाप देंगे ये देखिए और इसको हम कवर कर देंगे अच्छे से और इसका जब तक धुआं नहीं चले जाता तब तक हम इसको अच्छे से ढक देंगे और फिर मैं आपको सर्व करके इसको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये अच्छे से इसका स्टीम निकल गया है ये देखिए, तो अभी मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। ये चारकोल निकाल देती हूँ मैं। देखिए मुर्ग मुसल्लम जो है बनकर तैयार है, तो जो अभी हमने इसमें थ्रेड लगाया था, धागा लगाया था, वो हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको हम निकाल लेंगे और जो मैंने बीच में इसको सीला था उसको भी मैं ओपन करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए और ये देखिए यहाँ से मैं इसको, ये जो थ्रेड है इसको मैं कट कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से और इसके अंदर से ये देखिए ये धागा भी निकल गया। ये देखिए अंदर से मैं कीमा निकाल के दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए कीमा और ये बॉइल एग, तो चलिए अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।